हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस टॉपिक नंबर 48 पे। आज हम लोग बात करेंगे अपने 5 मिनट की सीरीज में, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसका नोट्स जरूर बनाना। आई बटन पे क्लिक करके आप पूरी प्लेलिस्ट की जानकारी ले सकते हैं, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट है आप सभी चीजें देखिए, नोट्स छोटा छोटा बना लीजिए, या फिर अगर नहीं बना पा रहे तो एक बार देख जरूर लीजिए, बेनिफिट जरूर मिलेगा ऐसा। चलिए बात करते हैं जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट स्कीम की। अकॉर्डिंग टू रिसेंट डेटा, अभी हाल ही के डेटा से ये पता चला है कि लगभग 23,948 माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज जो है उनको रजिस्टर किया गया है, वो अपने आप को इस प्रिंसिपल के आधार पे काम कर रही है, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। देखो होता है क्या कि हमारा जो टोटल प्लान ये चल रहा है कि हम किसी भी हिसाब से चाइना को मैनुफैक्चरिंग में कहीं ना कहीं उसको क्या करें, एक तरह से अच्छा कंपटीशन दें। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है भाई, जो भी प्रोडक्ट हम बनाए उसमें जीरो डिफेक्ट दिखे और जीरो इफेक्ट उसका दिखे समाज में, समाज में मतलब इन्वायरमेंट में, सीधे सी बात है ना, कोई ऐसा प्रोडक्ट ना बनाए जो इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा लॉस हो और कहीं ना कहीं उसका जो हो डिफेक्ट ना निकले, मतलब ये प्रोडक्ट खराब ना हो, है ना, ऐसा हो। अगर इस पर हम काम करें तो दुनिया हमारी तरफ काफी तेजी से अट्रैक्ट होगी। तो उसी हिसाब से जो भी एमएसएमई ये काम करेंगी उनको ना रैंक दिया जाएगा, जैसे जो सबसे बेहतर है वो प्लेटिनम होगा, फिर डायमंड होगा, गोल्ड होगा, सिल्वर होगा, ब्रॉन्ज होगा, इस हिसाब से दिया जाएगा। अब देखो अबाउट द स्कीम, यह स्कीम कब लॉन्च की गई थी, 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई इसको लॉन्च किया गया था, जिसमें क्या करेंगे, एक इंटीग्रेशन एंड कॉम्प्रिहेंसिव सर्टिफिकेशन देंगे, मतलब जो भी मैंने बताया उनके रैंक के अकॉर्डिंग उनको मिलेगा। देखो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि यह स्कीम जो है वो एक तरह से जो आपकी प्रोडक्टिविटी है, आपकी जो क्वालिटी है, आपकी जो पॉल्यूशन मिटिगेशन की क्षमता है उसको कितना आप बेहतर से यूज कर पा रहे हैं, इस हिसाब से आप एनर्जी एफिशिएंसी पे काम कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटस, ह्यूमन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी पे कितने बेहतर ढंग से काम कर रहे हैं, आईपीआर मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, मतलब आपने नई क्या क्या चीजें बनाई हैं, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से क्या होगा सर्टिफाई आपको किया जाएगा। ठीक है, आगे ध्यान रखना, कुल मिला के जीरो डिफेक्ट में क्या क्या शामिल है, जीरो इफेक्ट में देखो जीरो डिफेक्ट में क्या शामिल है, द जीरो डिफेक्ट कॉन्सेप्ट इज फोकसिंग ऑन द कस्टमर, मतलब जो कस्टमर है वो जीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट चाहता है। जैसे मान लो कोई है वो क्या बनाता है, बल्ब बना रहा है ना, अब ये जो बल्ब बनी है मान लेते हैं इस बल्ब में अगर डिफेक्ट आ रहा है, वो एक साल से पहले खराब हो जा रही है या कुछ भी है, ले गए पता चला कि प्रॉब्लम है, सही से रोशनी नहीं मिल रही है, तो प्रॉब्लम है ना, वो डिफेक्ट है, तो कम से कम कस्टमर की तरफ ध्यान दिया जाए कि उनको चीजें जो मिले वो बेहतर अच्छी क्वालिटी में मिले। अगला जीरो नॉन कन्फॉर्मेंस एंड नॉन कम्प्लायंस, ठीक है, मतलब कि एक तरह से जो उसकी कंप्लेन है वो बहुत कम आए, ठीक है, और उस पर हम अपनी अकाउंटेबिलिटी को क्या बना पाए, ठीक है, और जीरो वेस्ट, ठीक है, मतलब कि ये ऐसा जैसे मान लीजिए कूड़े में गया तो कूड़े में जाए तो इन्वायरमेंट को नुकसान ना, कुछ ऐसा। और जीरो इफेक्ट मतलब वही एयर पॉल्यूशन तो नहीं है, कहीं लिक्विड डिस्चार्ज नहीं है, सॉलिड वेस्ट तो नहीं बन पा रहा है ना, जीरो वेस्ट है, इससे हम नेचुरल रिसोर्सेज की तरफ आगे बढ़े, ये जीरो इफेक्ट है, ये जीरो डिफेक्ट है, इतनी बातें ध्यान रखें। आगे देखो यहाँ पे सब्सिडी का भी कुछ है प्रावधान किया गया है, एमएसएमई विल गेट सब्सिडी एज पर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, अगर वो जो इनका जेड मतलब जेड आया, जेड मतलब हो गया ना, जेड जानते हो, जेड सबसे लास्ट वर्ड होता है हमारे एबीसीडी में, जेड सबसे अधिक में आता, तो जेड सर्टिफिकेशन वही वाला जो मैंने इसके पहले सर्टिफिकेशन बारे में बात की, सेम वही, तो इसको बोला जा रहा है जेड सर्टिफिकेशन। जैसे मान लो कोई माइक्रो इंटरप्राइजेज है वो 80% तक बेहतर काम करती है, माल है 60%, मीडियम इंटरप्राइजेज है तो 50%, तो उस हिसाब से क्या होगा उसको सब्सिडी के लिए कहा जाएगा, बस ये थोड़ा सा परसेंटेज याद रखना अगर कहीं पूछा जाए तो। उसके बाद भी जैसे मान लेते हैं बहुत सारी जो एमएसएमई है वो वुमेन्स के द्वारा, एसटीएससी के द्वारा चलाई जा रही है, उनके लिए एडिशनल सब्सिडी की व्यवस्था की गई है, ठीक है, ये सब तो स्कीम में था ही। देखो यूपीएससी क्या पूछेगा ये बता दें, यूपीएससी आपसे ये पूछेगा कि ये जो स्कीम है ये किसके लिए है, कौन इसको लॉन्च किया है, क्या इसमें कोई रैंक दी गई है कि नहीं दी गई है, अगर रैंक दी गई है तो वो किन बातों पर दी गई है, ठीक है, ये पूछ लेगा। ये बहुत ज़्यादा अगर डीप में गया आपसे यहाँ पे जाने के बाद, सीधी सी बात है ये परसेंटेज, बस इतनी बात ध्यान रखना, इसके अलावा कुछ भी ध्यान रखने की बात नहीं, ठीक है। हाल ही खबरों में रहा है क्योंकि एमएसएमई लगातार खबरों में रहता है, यूपीएससी लगातार क्वेश्चन पूछती है, इसीलिए मैंने ये टॉपिक लिया। चलिए फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए अपने पढ़ाई लिखाई अच्छे से करते हैं।